हेलो स्टूडेंट्स, उड़ान दे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जी तुहाडा स्वागत है। मैं सरबजीत, अज आप लैके आए हैं मैथ की अपनी अगली क्लास। अपना चल रहा जी मैंसुरेशन। मैंसुरेशन से असी गल कर रहे हैं स्क्वेयर एंड रैक्टेंगल की, ठीक है। कल असी उन्हां बारे पढ़िया सी पैरीमीटर की हुंदा, एरिया की हुंदा, डायगनल की हुंदा, ठीक है। क्वेश्चन भी दो तीन ट्राई किए जी असी, तो अज आप उन्हां दी प्रैक्टिस लई कुछ क्वेश्चन होर लैके आए हैं, ठीक है जी। तो अज आप उन्हां दी प्रैक्टिस करांगे। ये क्लास देखन तो पहला एक बार लास्ट क्लास जरूर देख लिया जे, ठीक है। उत्थों तुहानू काफ़ी कुछ क्लीयर हो जाएगा कि स्क्वेयर की हुंदी आ, रैक्टेंगल की हुंदी आ, ठीक है। इहदे इस क्लास विच तां सिर्फ क्वेश्चनज ने, ठीक है। तो उन्हों देखन तो बाद, उन्हां दे फॉर्मूले समझन तो बाद ये क्लास भी जरूर देखनी आ, ठीक है। तुहानू काफ़ी सारे क्वेश्चनज, वधिया वधिया क्वेश्चनज तुहानू मिलणगे। चलो जी आपां देखदे हां अज दी क्लास दे अपने पहले क्वेश्चन वल, ठीक है जी। की है जी, द डायगनल ऑफ अ स्क्वेयर इज इन, द डायगनल ऑफ अनदर स्क्वेयर हूज एरिया इज डबल दैट ऑफ द फस्ट स्क्वेयर इज। एक वर्ग का सानू भी करन दिता होया। डायगनल केड़ा हुंदा सी, कल गल कीती सी, ये साडी स्क्वेयर आ। स्क्वेयर केड़ी हुंदी आ जिहदियां ऑल साइड्स आर इक्वल, ए आ ते ए भी ए आ, ए भी ए आ, ए भी ए आ। असी इहनू नाम देता ए बी सी डी। इहदा डायगनल ते केड़ा आ, इहदा डायगनल दा जिहड़ा सानू दिता होया, किन्ना दिता होया जी, फोर रूट टू सेंटीमीटर। क्लीयर है ना। तो वह कहता कि एक स्क्वेयर का डायगनल कितना, फोर रूट टू सेंटीमीटर है। अगे वो की कह रहा जी, किसी होर वर्ग का विकर्ण जिसका खेत्रफल पहले वर्ग तो दुगना है। वो कहता किसी होर विकर्ण, होर कोई स्क्वेयर आदा विकर्ण दसना तुसी, बट वह एरिया ये एरिए नालों की है जी, डबल आ, ठीक है। तो देखो जे साडे कोल एरिया होवे तां असी उहदा डायगनल कढ सकते हैं, ईजी आ, ठीक है। तो जे साडे कोल इहदा एरिया होवे तां असी इहदा डायगनल भी कढ सकते हैं। इहदा एरिया कित्थों मिलेगा, जे इहदा एरिया होवे तां सानूं पता, जे इहदा एरिया 10 आ तां इहदा एरिया डबल आ, 20 आ। इहदा 15 तां उहदा 30 आ, जे इहदा 100 आ तां उहदा 200 आ। क्लीयर है ना। तां असी इहदा एरिया कढ लैंदे आ। हुण सानूं पता सी, असीं कल गल कीती सी कि डायगनल दा की हुंदा फॉर्मूला, उही पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग डायगनल की वैल्यू की आ जाती है, रूट टू ए। एक ही दे बराबर गिवन आ, फोर रूट टू के बराबर गिवन आ। रूट टू ना रूट टू कैंसल हो गया, ए दी वैल्यू कितनी होगी, फोर। मतलब जे एक स्क्वेयर आ जिसकी ईच साइड इज इक्वल टू फोर आ, तो उहदा एरिया की होगा। तो एरिए का फॉर्मूला हुंदा साइड का स्क्वेयर, साइड तुहाडी फोर, तो फोर का स्क्वेयर की आ गया, 16 आ गया। क्लीयर है जी। चलो तो इसका एरिया आ गया 16। हूँ एक दूसरी स्क्वेयर आता, वह एरिया ये एरिए तो की आ जी, डबल आ। जे एदा एरिया 16 आ, तो वह एरिया कितना होएगा, 32 होएगा, क्योंकि वह एरिया डबल आ। तो यदा एरिया सानू पता लग गया कितना हो गया जी, 32। यदी असी की कढ़नी आ, इहदी असी डायगनल कढ़नी आ, इहदा असी विकर्ण फाइंड आउट करना। क्लीयर है जी। तो उस तरह मान लो इहदी चाहे साइड एक्स, अपना एरिया की आ गया एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 32, क्योंकि मान लो असी कहने कि इहदी ईच साइड आ एक्स। जे ईच साइड एक्स आ तो इहदी स्क्वेयर आ, तो ईच साइड इज इक्वल होएगी। जे एक साइड एक्स आ तो दूसरी साइड भी एक्स होएगी, तो इहदा एरिया की आ गया, साइड इन टू साइड मतलब एक्स का स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 32। तो एक्स की वैल्यू की आ गई, रूट 32। रूट 32 का मतलब 16 इंटू 2, 16 चो 4 कॉमन आ जाएगा, तो एक्स आ गया तो 4√2। क्लीयर है जी, समझ आ गई, इतों तक कोई डाउट तो नहीं जी। चलो तो एक्स की वैल्यू आ गई 4√2, तो असी डायगनल कढ़ना। जे एक्स आ, ये एक्स आ, तो डायगनल की होना चाहिए, √2x। क्लीयर है। जे हर साइड एक्स होवे तो डायगनल की होएगा, √2x होएगा। तो एक्स की वैल्यू है 4√2, रूट टू एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू पुट करती 4√2, रूट आ, रूट टू ना रूट टू मल्टीपल होके की बन गया 2। 4 साढ़े कोल पहला सी, तो हो गया 4 × 2, तो तुहाडा आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। क्लीयर है जी, समझ आ गई। तो सैकेंड स्क्वेयर उसका डायगनल कितना होएगा, 8 सेंटीमीटर होएगा, जिसका एरिया पहली स्क्वेयर के एरिए तो डबल आ। क्लीयर है जी। चलो तो तुहाडा आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। क्लीयर स्टूडेंट।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਗਾਰਡਨ ਇਜ 12 ਮੀਟਰ ਐਂਡ ਇਟਸ ਬ੍ਰੈਥ ਇਜ 5 ਮੀਟਰ। ਦਾ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਬਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 12 ਮੀਟਰ ਹੈ ਔਰ ਚੌੜਾਈ 5 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 12 ਮੀਟਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌੜਾਈ ਹੋ ਗਈ 5 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇੰਡ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਆਫ ਵਰ ਆਫ ਫੇਅਰ ਗਾਰਡਨ ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਸੇਮ ਏਰੀਆ ਐਜ ਦੈਟ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਗਾਰਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਤਾਕਾਰ ਬਾਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 12 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 5 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਆਇਤਾਕਾਰ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਲਗਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਬਾਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੁਏਅਰ ਗਾਰਡਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਕੁਅਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਐਲ ਇਨ ਟੂ ਬੀ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫੋਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਐਲ ਇਨ ਟੂ ਬੀ, ਲੈਂਥ ਇਨ ਟੂ ਬ੍ਰੈਥ, ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ। ਲੰਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ 12, ਚੌੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ 5, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ 60 ਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੁਏਅਰ ਗਾਰਡਨ ਜਿਸਦਾ ਏਰੀਆ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ 60 ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 60 ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਚ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ, ਤਾਂ ਏ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੂਟ ਟੂ ਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਏ ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 60, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਰੂਟ 60। ਰੂਟ 60 ਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਇੰਟੂ 15, 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਬਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। 15 ਚ ਇੱਕ 3 ਆ, ਇੱਕ 5 ਆ, ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, 15 ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਈਚ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 2√15, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਈਚ ਸਾਈਡ 2 ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, √2a ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਆ ਗਈ 2√15, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਦੱਸਣੀ ਆ, √2a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਤਾਂ √2 × a, 2√15, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 2√15, √2 ਅਤੇ √15 ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ √30। √30 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ 2, 3 ਐਂਡ 5 ਬਣੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, √30 ਤਾਂ ਰੂਟ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ, 2 ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2√30। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇਜ਼ 160 ਮੀਟਰ ਐਂਡ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਟੂ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ 48 ਮੀਟਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆ 160 ਮੀਟਰ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਟੂ ਸਾਈਡ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਲ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਮਤਲਬ 48 ਮੀਟਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਾਇੰਡ ਦਾ ਸਾਈਡ ਆਫ ਸਕੁਏਅਰ ਹੂਜ਼ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਿਸ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਇੰਡ ਦਾ ਸਾਈਡ ਆਫ ਸਕੁਏਅਰ, ਇੱਕ ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀਆਂ ਆਲ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 10 ਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ 10, ਆਹ ਵੀ 10, ਆਹ ਵੀ 10, ਆਹ ਏ ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਏ, ਆਹ ਵੀ ਏ, ਆਹ ਵੀ ਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਸਾਈਡ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਬਸ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਈਡ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਬਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦਾ ਫੋਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਐਲ ਪਲੱਸ ਬੀ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਦਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੀ, ਆਹ ਵੀ ਐਲ, ਆ ਬੀ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਥਰੂ ਸਾਈਡਸ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ 1L 1B 2L 2B ठीक है। तो दो तो हड्डा कॉमन निकल गया, मतलब 2L प्लस 2B 2 कॉमन निकल गया, की फॉर्मूला रह गया 2 कॉमन अंदर ब्रैकेट स्टार्ट L प्लस B ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है ना। चलो हुण आपां गल कर रहे हैं कि पैरीमीटर सानू दिता होया किन्ना दिता होया 160 तां L प्लस B दी वैल्यू किन्नी होगी 160 अपॉन 2 80। फिर अगे सानू की दिता होया अगे सानू L माइनस B दोनों साइड्स का डिफरेंस दिता होया ठीक है। हुण मैं तुहानू कहां कि एहो जिहियां दो साइड्स दसो जिन्हां दा टोटल किन्ना होएगा 80 और डिफरेंस किन्ना होएगा 48। क्लियर है। टोटल किन्ना होएगा 80, डिफरेंस किन्ना होएगा 48। तां की हो सकदे आ 64 एंड 16। तां लंबी साइड तुहाडी L, छोटी साइड तुहाडी B। तां 164 होएगा, 116 होएगा, जिन्हां दा प्लस 80 बन रहा, डिफरेंस 48 बन रहा, सॉरी डिफरेंस किन्ना बन रहा 48 बन रहा, उन्हां नूं ऐड करन ते किन्ना आ रहा 80 आ रहा। क्लीयर है ना। बट हुण कहांगे जी इन्नी छेती पता किवें लग्गिया, है ना। देखो उस तरह एक तो बेसिक जहा मैथड है, पहला असी उही ट्रडिशनल मैथड जो सा चली आता शुरू तो लैके हूँ तक, पहला असी वो चल रहे हैं। तो वो L प्लस B इज इक्वल टू 80, L माइनस B इज इक्वल टू 48। दो इक्वेशनज बन गई, कि इक्वेशनज बन गई, क्वाड्रैटिक या लीनियर। लीनियर बन गई, एक घाती समीकरण क्वाड्रैटिक, दो घाती समीकरण ठीक है ना। तो यह क्वाड्रैटिक नहीं है जी, एक घाती है, ये मैक्सीम पावर 1 आ, L की पावर भी 1 आ, B की पावर भी 1 आ, मतलब x प्लस वाई प्लस जैड वो वाली है समीकरण, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू वो नहीं हैगी, जिंद पावर मैक जिंद पावर 2 होगी क्वाड्रैटिक इक्वेशन है, जिंद मैक्सीम पावर 1 होगी लीनियर इक्वेशन का ठीक है। तो यह लीनियर इक्वेशन का इन असं सोल्व की करते होंगे सी, इनू ऐड कर लेंगे सी, बी नाल बी कैंसल हो जाता सी, एल और एल 2L इनू ऐड किया 128, तो एल की वैल्यू आ गई 128 अपॉन 2, कट्टिया गया जी कि आ गया 64। हुण सानू पता कि एक इक्वेशन असी चक लेंगे सी, पहली इक्वेशन चक ली तो एल प्लस बी इज इक्वल टू 80, एल की वैल्यू कि 64 पुट करती, तो 64 प्लस B इज इक्वल टू 80, B कि बराबर रह गया 80 माइनस 64, जेडे इधर प्लस सी उधर जाके की हो गए माइनस हो गए, तो B की वैल्यू आ गई 60। क्लीयर स्टूडेंट। बट एक कोई सही मैथड नहीं हैगा, देखो ये उदो करते होंगे जो सही नहीं, तो जी उदो करते क्यों सी, असी 6-7 चेक किया क्यों, है ना, क्यों किया, क्योंकि असी उदो अपना सल्यूशन वेचना हुंदा सी, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਫ ਨੰਬਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਛੱਡਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, असी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा तुहाडा ठीक है ना। असी ऑप्शनस सिलेक्ट करनी आ, वह हुण चाहे तुसी उन्हूं पूरा सोहना सोहना करके सल्यूशन कढ के टिक करो, चाहे तुसी शोर्ट मैथड नाल ऑप्शन टिक करो ठीक है, चाहे तुसी राम अल्लाह वाहिगुरु कह के टिक करो, रबड़ जी सिट के जिहदे ते आ गई उह साडा आंसर ठीक है। ये हुण तुहाडे ते डिपेंड करता ठीक है। चाहे तुसी तुक्के लाओ, बट तुक्के तो बिल्कुल नहीं लगाने ठीक है, राम अल्लाह वाहिगुरु भी इत्थे नहीं कहना, अगे पिछे उन्हूं याद करो वधिया गल आ, बट उत्थे ना याद करो रबड़ जी लैके सिट के ठीक है। जिवें आपां छोटे हुंदे सुणदे आंदे सी वी ऐ करदे आ, है ना। तां इत्थे किवें करना जी, इत्थे तुसीं ना तां हिट एंड ट्रायल मैथड यूज करना, हिट एंड ट्रायल मतलब हाँ सुनन च बड़ा सोहना लगता कोई होएगा मैथड हिट एंड ट्रायल, है ना, उही जिन्हों पंजाबी विच तुसीं तीर तुक्का कहने हो, इंग्लिश च आपां उन्हूं कह दिंदे हिट एंड ट्रायल मैथड ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल मैथड नहीं यूज करना ठीक है जी, तुसी इनू सोल्व करके करना, लेकिन सोल्व भी तुसी पूरा सोल्यूशन नहीं करना ठीक है। इनू आपां करांगे किवें, इहदा मीनिंग की आ, हुण इह समझदे आ। पहलां छोटियां छोटियां गल्लां समझदे जाऊंगे सीखते जाऊंगे तो उन्ना ही मैथ तुहाडे लई ईजी हुंदा जाएगा, इंट्रस्टिंग हुंदा जाएगा। जे तुसी नहीं सीखोगे इहदे तो दूर भजोगे तो यह तुहानू होर तंग करेगा, इनू अगे लाऊंगे तो यह तुहाडे अगे अगे, तुसी इहदे पिछे पिछे, ये अगे तुसी लगे तो तुसी ये अगे अगे, ये पिछे पिछे ठीक है। हुण तुसी देखना कि तुसी ये अगे लगना जां इनू अपने अगे लाना ठीक है जी। चलो तो आपां देखते हैं,
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਐਲ ਪਲੱਸ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 80, ਐਲ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 48 ਹੈ। ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਟੋਟਲ 80 ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 48 ਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਮ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਨੇ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਮ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੋਟਲ 80 ਰੁਪੀਸ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣੇ ਆ? 80 ਰੁਪਏ ਵੰਡਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲੋਂ 48 ਰੁਪੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਦੇਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? 80। ਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ? 80, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬੇਸਿਕ ਅਪਰੋਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟੋਟਲ 80 ਆ, ਅਤੇ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 48 ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲ ਪਲੱਸ ਬੀ, ਐਲ ਮਾਈਨਸ ਬੀ, ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੇਸਿਕ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਵੰਡਣੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਆ? 80 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਆ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਆ? 48 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਊਂਗਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਆ? 80। ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਆ? 48 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਆ? ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਆ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਆ? 48 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਂ 80 ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 48 ਰੁਪਏ ਗਿਣ ਕੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਮੈਂ 80 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ? ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚੇ ਕਿੰਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 80 ਚੋਂ 48 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਲਏ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 32 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 32 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨਾ 'ਚ ਵੰਡਣੇ ਆ? ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਂ 32 ਰੁਪਏ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਕੋਲ ਵੀ 16 ਆ ਗਏ, ਸ਼ਾਮ ਕੋਲ ਵੀ 16 ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 48 ਰੁਪਏ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ? ਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਮ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਅੱਲ ਆਪਣੇ 48 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਜੀ? 64 ਰੁਪਏ। ਸ਼ਾਮ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ? 16 ਰੁਪਏ। ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 80। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 48। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਵੇਂ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ, ਐਲ ਪਲੱਸ ਬੀ, ਐਲ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਅਪਰੋਚ ਇਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਥੀ ਅਪਰੋਚ ਆ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਆ ਤਾਂ ਪੈੱਨ ਕਾਪੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 124 ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 16, ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਤਾਂ 16 ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 108। 108 ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਤਾ, 53-53, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ 16 ਦੇਣਾ ਸੀ, ਏ ਬੀ ਨਾਲੋਂ 16 ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਏ ਪਲੱਸ 16 70 ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀ ਏ ਨਾਲੋਂ 16 ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਬੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 16 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀ 70 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ 16, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 16 ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਏ 70 ਹੋਏਗਾ, ਏ 54 ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਚਲੀਏ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਸੀਗਾ ਜੀ 160, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ 48। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦਾ ਫੋਰਮੂਲਾ 2L+B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 160, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ 2L+B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 160 ਆ, ਤਾਂ L+B ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? 2 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ L+B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 80, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਸਮ 80 ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 48 ਆ। ਤਾਂ ਸਾਈਡਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? 80 ਚੋਂ 48 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 32, 32 ਨੂੰ 2 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 16, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 16 ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ 48 ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ 48+16 64 ਆਏਗੀ, 64 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡਸ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਫ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਾਈਡ ਆਫ ਅ ਸਕੁਅਰ ਹੂਜ਼ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਿਸ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦਾ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਜੀ L into B, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 1024
मीटर स्क्वेयर, ये तुहाडा की आ गया जी, ये तुहाडा एरिया आ गया। हुण इहदा एरिया स्क्वेयर दे एरिया दी इक्वल आ, असी कह सकते हैं कि जिन्ना इहदा एरिया उन्ना एरिया स्क्वेयर दा होएगा। तो असी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वेयर की दी इक्वल आ गया 1024। तो एरिया की आ गया ए इंटू ए, ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1024। ए दी वैल्यू इहदा रूट आ गई, इहदा स्क्वेयर है जी ए 32 दा, तो ईच साइड किन्नी आ गई 32 मीटर आ गई। ठीक है, ए ऑप्शन तुहाडा आंसर। क्लीयर स्टूडेंट, चलो ठीक है जी, उम्मीद है जी तुहानू समझ आ रहा होएगा। आपां चलते हैं जी हुण अपने कुछ होर क्वेश्चन वाल। ठीक है जी, चलो बाकी जिथों भी तुहानू दिक्कत आवे ठीक है वापिस जाके उत्थों देख लिया करो। चलो अगले क्वेश्चन वाल आपां आने हैं। ठीक है जी, चलो हुण अगले क्वेश्चन जो की कह रहा, कहिंदा ए टुक 15 सैकेंड टू क्रॉस रैक्टेंगुलर फील्ड डायगनली वॉकिंग एट द रेट ऑफ स्पीड 52 मीटर पर मिनट। चलो की कहिंदा जी, कहिंदा एक रैक्टेंगुलर फील्ड आ, ए ने 15 सैकेंड लाए कादे वास्ते, एक आयताकार खेतर नू 52 मीटर पर मिनट की रफ्तार नाल तिरछे तौर पर पार करन लई, डायगनली पार किया उन्ने, तो किन्ने मिनट लाए, किन्ने सैकेंड लाए, 15 सैकेंड लाए, 15 सकिंट लाए। ठीक है जी, चलो 15 सैकेंड लाए आ, 15 सकिंट लाए आ। ठीक है, चलो असीं लिख लें, ए आ एक रैक्टेंगुलर फील्ड आ, ए ने उन्हों डायगनली पार किया, टाइम कितना लिया 15 सैकेंड लाए आ, तो स्पीड ऑफ ए की सीगी, स्पीड ऑफ ए सीगी जी 52 मीटर पर मिनट। ठीक है, फिर अगे वो की कह रहा, कहिंदा बी टुक द सेम टाइम टू क्रॉस द सेम फील्ड अलोंग इट्स साइड्स वॉकिंग एट द रेट स्पीड 68 मीटर पर मिनट। ठीक है, वो कह रहा कि बी ने भी सेम टाइम लिया, बी ने 68 मीटर पर मिनट की रफ्तार नाल चलते हुए अपने पासियां मतलब साइड्स दे नाल उस खेत्र नू पार करन लई इक्को जिहा समां लिया। ठीक है जी, हुण उही रैक्टेंगुलर फील्ड आ, ये बी ने भी पार की आ, बी ने भी उन्ना ही समा लिया जिन्ना ए ने लिया सीगा, बी की स्पीड आ 68 मीटर पर मिनट, बट बी गया केड़ी साइड तो है जी, हाँ जी बी किधरों की गया, बी साइड साइड तो गया, ए तो इतों चल के ए गया सी ना डायगनली, लेकिन बी ए नहीं गया, बी इतों एनू तुरया एनू गया, फिर इतों ए मुड़ गया, इदा करके बी इतने पहुंचया। तो बी ने भी 15 सैकेंड ले आ, ए ने भी 15 सैकेंड ले आ, बट ए की स्पीड 52 मीटर पर मिनट आ, बी की स्पीड 68 मीटर पर मिनट आ। चलो पहला आप गल करते हैं ए की। ठीक है जी, तो देखो टाइम की गल हो रही है, स्पीड की गल हो रही है, तो स्पीड टाइम का क्वेश्चन भी नाल बन रहा है मेंसुरेशन के नाल नाल, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम। ठीक है ना, उही बेसिक जे फॉर्मूले लगभग सानू याद ही होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समा पंजाबी याद होंगे ज़्यादातर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे फॉर्मूला तो याद ही होएगा क्योंकि दो तीन फॉर्मूले आ जो तुसी जिंदगी कदे भी नहीं भुलते, जिवें एवरेज का फॉर्मूला हो गया, सम ऑफ ऑब्जरवेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन, राशियां का योगफल बटा राशियां की संख्या। ठीक है, सिंपल इंटरस्ट का क्वेश्चन हो गया, साधारण ब्याज का, मूलधन गुना दर गुना समा बटा सौ, पी आर टी अपॉन 100। क्लीयर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर हो गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। क्लीयर है ना, ये वो फॉर्मूले है जो जिंदगी कदे भी नहीं भूलते, बाकी भावें सानू कुछ ना याद हो मैथ का, बट ये 3-4 फॉर्मूले उन्होंने एक आ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समा, ये 3-4 फॉर्मूले आ जो तुहानू याद ही रहिंदे आ, है ना, LIC पॉलिसी की तरह, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ठीक है, चलो जी आने वापिस ये, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम। ठीक है ना, चलो हुण असीं इत्थे डिस्टेंस कढ़ना, ये डिस्टेंस ही है ना डायगनली गया, तो इन्हें किन्ना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है जी, देखते हैं जिन्ना इन्हें डिस्टेंस कवर किया हो कहेंगे असीं वो डायगनल आ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, बट स्पीड हैगी जी तुहाडी मीटर पर मिनट च, टाइम हैगा जी तुहाडा सैकेंड च, तो यूनिट का सेम होना जरूरी आ, तो सैकेंड में भी असं कादे बदलांगे मिनट च बदलांगे, एक मिनट किन्ने सैकेंड होंगे आ
60, जो तुम सैकेंड को मिनट से कन्वर्ट करोगे तो 60 नाल की करोगे डिवाइड करांगे। जिवें असी मिनट्स नू सैकेंड कन्वर्ट करते हैं तो 60 नाल की करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, इतने असी की करांगे डिवाइड करांगे। ठीक है, जो तुम डिवाइड किया 4 इधर कट्टिया गया 13, तो डिस्टेंस तुहाडा कितना आ गया 13 मीटर आ गया, मतलब ये तुहाडा की आ गया डायगनल की लेंथ आ गई। क्लीयर है जी, इदा ही आप डिस्टेंस काढ लें, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, उत्थे स्पीड किन्नी है 68, टाइम किन्ना 15, सेम स्पीड की यूनिट पर मिनट है, टाइम तुहाडा सैकेंड का, यूनिट का सेम होना जरूरी आ, तो असी की करते हैं अभी सैकेंड में भी मिनट कन्वर्ट कर लें अपॉन 60 करके, ये तुहाडा कट्टिया गया 4 तुहाडा इधर कट्टिया गया तो किन्ना आ गया 17 मीटर। मतलब जदों इधर दी गया एल कवर की बी कवर की तो उन्हें टोटल किन्ना कवर किया 17 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो असं कह सकते हैं कि एल प्लस बी इज इक्वल टू 17। ठीक है ना, तो एदा ते एदा टोटल किन्ना जी 17, डायगनल किन्ना जी 13 है ना। चाहे तो हुण तुसीं इक्वेशनज बना लो, ठीक है ना, चाहे तो तुसीं हुण इक्वेशनज बना लो है ना, इक्वेशन बना के सोल्व कर लो, वो लेंथ ही हो जाएगा। तो मैं अक्सर गल करता हूं कि 2-3 ट्रिपलेट आ, तुसी अपने ट्रिपलेट याद करो। ठीक है, ट्रिपलेट की होंगे आ, जिवें तुहानू पता मैं कहां कि एक राइट एंगल ट्रैंगल आ जिहदा बेस मान लो 4 आ, परपेंडिकुलर 3 आ, तुसी उहदा हाइपोटीन्यूज दसना, तो असी की करांगे, ठीक है, कर्ण बराबर आधार स्केयर प्लस लंब स्केयर पूरे का स्केयर रूट, ये तुहाडा की आ जाएगा करन आ जाएगा हाइपोटीन्यूज आ जाएगा, तो 4 का स्क्वेयर 16, 3 का स्क्वेयर 9, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट 5, तो तुम कहोगे जी 5 आंसर आ गया, सही आ, बट अप्रोच सही नहीं है जी, इन्ना लामा थोड़ा करोगे है ना। जिवें मैं तुहानू कहां कि एक राइट एंगल ट्रैंगल आ जिसका एंगल 90 डिग्री आ, उहदा बेस हैगा जी 15 और परपेंडिकुलर हैगा जी 20, हाइपोटीन्यूज दसो। उस तरह 20 का स्केयर प्लस 15 का स्केयर पूरे का स्केयर रूट, 20 का स्केयर 400, 15 का 225, ठीक है, यह हो गया 625 स्केयर रूट, की का स्केयर है जी 625, 25 का स्केयर आ, तो तुहाडा डायगनल सॉरी तुहाडा हाइपोटीन्यूज कितना आ गया 25 मीटर आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया, जो भी है यूनिट सेम यूनिट आ गया। ठीक है, बट तो इदा तुम राजे नहीं करना, ठीक है ना, तो इनू ईजी अप्रोच है। देखो जो हूँ असी शुरू कर ही लिया मैथ, फिर असी चंगी तरह सारा सीख के चलिए, जो असी एग्जाम की तैयारी कर ही लग गए, देखो जब तक कर देना, बट हूँ जो असी कर लग ही गए फिर सानू हर एक छोटी छोटी चीज़ सीख के जानी चाहिए है। ठीक है ना, उखली सिर दिता तो मोलियां का सी डर है ना, बस उही कहावत इतने टुकदी आ। तो तुसी ट्रिपलेट याद कर लो, ट्रिपलेट 1, 3, 4 ते 5, तो पहली गल जिहड़ी करण की लंबाई आ, जिहड़ा करण होएगा वह हमेशा तुहाडे बेस के परपेंडिकुलर नालों आधार के लंब नालों वड्डा होएगा। ठीक है, मतलब जिहड़ी करण वाली साइड है, करण वाली भुजा, यह हमेशा बाकी दोवां भुजावां नालों लंबी होएगी। तो जे तुहाडा बेस 3 आ परपेंडिकुलर 4 आ, तो करण हमेशा 5 होएगा। ठीक है ना, इहनूं कढ़न की जरूरत ही नहीं, याद रख लो। जे तुहाडा बेस 5 आ परपेंडिकुलर 12 आ, तो करण तुहाडा कितना होएगा 13 होएगा, यह सैकेंड ट्रिपलेट आ। ठीक है जी, यह सैकेंड ट्रिपर ट्रिपलैट आ। ठीक है, तीसरा जे एक साइड तुहाडी 8 आ दूसरी 15, तो करण तुहाडा कितना होएगा 17 होएगा 17। क्लीयर है ना, आ तीन ट्रिपलैट याद कर लो, बहुत आ इन्हां चों तुहानू क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हुण देखो जिवें आ सी तां सानू पता करण कितना साडा 13, तो करण 13 किहदे नाल बन रहा 5 ते 12 नाल, इन्हां दोनों का टोटल कितना होना चाहिए 17, तो 5 एक साइड 5 हो, एक साइड 12 हो, तो टोटल भी 17 है, तो बस गल खत्म। इन्हों जो एक साइड 5 आ एक साइड 12, हूँ 12 किनू लौंगे जी लंबी भुजा होएगी, लंबी भुजा केड़ी होएगी, लंबाई लंबी भुजा होंगी आ, तो एल तुहाडी 12 आ गई, ब्रैथ तुहाडी किन्नी आ गई 5 आ गई। क्लीयर है ना जी, पूछा की सी तुहानू जी एरिया ऑफ द फील्ड पूछा सी, तो एरिया ऑफ द फील्ड की रह जाएगा एल इंटू बी, 12 × 5, तो आंसर आ जाएगा 60 मीटर स्क्वेयर, ये तुहाडा
एरिया आ जाएगा। ठीक है, हुण आपां गल कर रहे हैं कि मैं क्या सी, एक भी या एक पंद्रह, एक भी या एक पंद्रह, तो आ कितना होएगा, या एक इनू सीकुएंस ला लो, पहला छोटा फिर उस तो वड्डा, आ करन तुहाडा कितना होएगा। ठीक है, हुण देखो पंद्रह भी किस रेशो चा, देखो तुसी उत्थे जाओगे तुसी कहोगे जी सानू आ तीन तो याद करवाते, पंद्रह भी तो ये आंदा ही नहीं। ठीक है, तुसी कहोगे जी आ तीन तो याद करवाते, बट पंद्रह भी तो ये आंदा ही नहीं जी, हुण असी किन्ने कु याद करिए। ठीक है जी, तो इनू राजे यदी रेशो कढ लो, तीन तो कैंसल आउट हो गया, तीन पांच पंद्रह, पांच तो सॉरी कट्टिया गया, पांच तो जो डिवाइड किया तो यह आ गया तुहाडा फाइव थ्री का फाइव फोर का, किस रेशो च आ गया, तीन अनुपात चार च आ गया। तो हुण किहड़ा ट्रिपलट हो गया, तीन चार, तो तीसरा की आना चाहिए, पांच। जे ये तीन अनुपात चार चा तो यह की आना चाहिए नाल, फाइव, बट ये थ्री का किन्ने गुणा सी, पांच गुणा सी, ठीक है, बट ये थ्री का किन्ने टाइम सी, फाइव टाइम सी, पांच गुणा सीगा। ठीक है, तो यदा भी पांच गुणा किन्ना हो गया, फाइव का फाइव टाइम्स किन्ना हो गया, किन्ना हो गया जी, पच्ची हो गया। ठीक है ना, समझ आ गई गल दी। चलो दोबारा दसदा मैं की कहना चाहना, अपने कोल सी कि एक साइड पंद्रह सी, ये भी सी, करन तुहानू पुछया सी, सानू पंद्रह भी का ट्रिपलेट नहीं है, तो पंद्रह भी रेशो किस चा, पांच ते कट्टिया गया, पांच तीए पंद्रह, पांच चौक है भी, तो तीन चार दे नाल करन की आंदा, पांच आंदा, बट तीन चार नहीं, ये इन्हों का पांच गुणा, तो करन का पांच गुणा इन्ना आ गया, पच्ची आ गया। कितने तुसी आ कीता, चलो इतना तुहानू भी का स्क्वेयर कढ लिया, पंद्रह का कढ लिया, छे सौ पच्ची का रूट कढ लिया, ये सत्त की रेशो च हुंदा, एक इक्की हुंदा, एक अठाई हुंदा, तो तुहानू इक्की का स्क्वेयर कढ़न च दिक्कत आनी सी, अठाई का स्क्वेयर कढ़न च दिक्कत आनी सी, अगे जाके उन्हां दा टोटल बारह सौ पच्ची बनना सी, फिर तुहानू उहदा रूट कढ़न च दिक्कत आनी सी पैनसी, समझ आ गई ना। तो तुसी इहदे नालों वधिया मैथड आ कि ट्रिपलेट याद कर लो, आ तीन कु कर लो, बहुत आ, इहदे विच्चों तुहानू क्वेश्चन देखण नू मिल जाणगे। क्लीयर स्टूडेंट, चलो अज की क्लास लई इन्ना बहुत आ जी। ठीक है, बाकी तुसी आप प्रैक्टिस करते रहो, थोड़े कोई डाउट्स वगैरह होन तो कोई ना तुसी दस दिया करो, आप उन्हां क्वेश्चनस नू भी अपनी क्लास दे विच ले लिया करांगे। ठीक है जी, बाकी स्टैप बाय स्टैप चली जाओ, तुहाडे सारे क्लीयर होंदे जाणगे, क्लासेस मिस ना करो। ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में।